मेरा गोल्डन प्ले बटन आ चुका है। हमें कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, लगता है इनविजिबल है जो भी है। हाय अल्लाह, बहुत मुश्किल है ईद की ड्रेस ढूंढना भाई। यहाँ पे आज हमारे कुछ प्यारे प्यारे मेहमान इफ्तार बना तुम बताओ मिलेगी या नहीं मिलेगी? मुझे लग रहा पसंद नहीं आएगा। एक मैंने लिया है ये वाला सूट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सहरी से, मतलब सहरी से नहीं, सहरी तो खत्म हो गई, अभी मैं नमाज पढ़ के आई हूँ फजर की। और मैंने सोचा कि चलो मैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और आज मैं जाने वाली हूँ अपनी ईद की शॉपिंग के लिए, और देखते हैं मुझे कुछ मिलता भी है या नहीं। तो अभी तो फिलहाल मैंने नमाज पढ़ लिया है, और अभी मुझे करनी है अपनी वीडियो की एडिटिंग, जो कि मुझे कल ही वीडियो डालनी थी लेकिन वो कर नहीं पाई मैं, क्योंकि मुझे कुछ काम था और एडिटिंग भी नहीं हो पाई, तो मैं अब आज डालूंगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ जल्दी से मेरे मेन चैनल पे देखो, महजबीन अली पे। अभी मैं वही एडिट करूंगी और देखते हैं, जल्दी से जल्दी एडिट करके फिर मैं सो जाऊंगी, फिर कल बहुत सारा काम है, मतलब आज। तो मैं आपको सुबह मिलूंगी, सुबह तो हो गई, मतलब शाम में मिलूंगी। तो गाइज अभी यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही हूँ, और यहाँ पे मुझे समरीन वीडियो भेज रही है, ये हो रही मेरी वीडियो। और यहाँ हमारे बिल्लू राजा सो रहे हैं, सो नहीं रहे तो शायद उठे हुए हैं हमारे बिल्लू बॉय। तो अभी सुबह हो चुकी है, मतलब सुबह तो नहीं हुई है लेकिन अभी शाम हो चुकी है। अभी मैंने नमाज पढ़ लिया, फिर मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मैं रोजा खोलते ही चली जाऊंगी बाहर, तो इसलिए उस टाइम पे टाइम ही रहेगा मुझे तैयार होने का, तो इसलिए मैं अभी तैयार हो गई हूँ। मैंने आपको एक चीज नहीं दिखाई है, मुझे यूट्यूब ने सोना भिजवाया है बहुत सारा, और वो है ये मेरा गोल्डन प्ले बटन आ चुका है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अच्छे से पास से, मैं इतनी खुश हूँ ना, मुझे लगा ये बहुत दिनों बाद आएगा लेकिन ये एकदम से इतनी जल्दी आ गया। सो के उठी थी और है ना, बाहर से काशिफ लेकर आया था इसको, मैंने कहा हाँ ये बटन आ गया, पागल हो गई देख के। तो अभी ये मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज ये है मेरा प्ले बटन जिसपे लिखा है महजबीन अली। मेरा सपना था कि ये कब होगा, इस पे थोड़ा सा हैंड प्रिंट्स लग गया है और इसपे मकासा भी चढ़ चढ़ के बार बार जा रहा है। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से है, आप लोगों ने मेरे आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, तो ये मेरे पास आ गया है प्ले बटन। थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से ये सब आया है। बस आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहना, और जल्दी से इस व्लॉगिंग चैनल का भी प्ले बटन दिलवा दो मुझे, सिल्वर गोल्डन सब, तो इसको हम प्यार से यहाँ रखेंगे। ये मुझे ना वॉल पे लगवाना है, इसलिए मैंने इसको खोल के यहाँ पे रख रखा है, वो हम कल लगवाएंगे, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया। फिर बार बार अंदर रखो बाहर निकालो, और ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है बार बार जब जब मैं ये देख रही हूँ। तो चलो अभी देखते हैं इफ्तार में क्या क्या बना है। तब तक मैं अभी, आजकल थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है, कल तो भाई आंधी आ रही थी, अभी भी मौसम अच्छा है। यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं जैसा कि हर घर में सूखते हैं, और हवा चल रही है अभी भी, पहले से ना थोड़ी कम गर्मी हो गई, मतलब गर्मी है लेकिन थोड़ी कम है, और वो जो गर्म हवा चल रही थी ना वो कम हो गई है। मैं यहाँ पे फजर के टाइम पे आती हूँ, इतना अच्छा लगता है ना, ठंडी ठंडी हवा आती है बिल्कुल। तो चलो अब हम वापस अंदर चलते हैं। मैंने अम्मी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी है इफ्तार में, इसलिए वो गुस्सा है, डांट रही है मुझे। वो अपने मर्जी से करना चाहिए, हर वक्त बोलना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो सब कुछ जो मेरा काम था वो सब पहले से तैयार है। आज ना मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था भैया, और मैंने रात को एडिटिंग की थी जो की मैंने आपको दिखाई थी, तो रोज नहीं उठा रहा था लेकिन आज बहुत दर्द था। और क्या क्या है, और ये है कीमा कबाब मसाला। अगर आप लोग को ये रेसिपी चाहिए तो कॉमेंट करना। हाँ ये अम्मी के चैनल पे मिलेगा आपको। चलो भाई मैं आपको सीधा मिलूंगी अब बाहर, और देखते क्या नजारा क्या माहौल है। मुझे तो कुछ नहीं पता बिल्कुल भी कि क्या होने वाला है। वो साल 3 साल के बाद जाने वाले ना ईद की शॉपिंग पे अम्मी। हाँ 3 साल के बाद ईद की शॉपिंग पे देखते क्या नजारा होता है। वैसे आम शॉपिंग अलग है लेकिन ईद की शॉपिंग अलग है। सबसे ज्यादा समरीन बहुत खुश है। हाँ समरीन बहुत खुश है। समरीन के पास कमेंट भी बहुत आ रहे की दीदी आप अपना आउटफिट दिखाओ। भैया सब अपना अपना आउटफिट दिखाएंगे, अपने अपने चैनल पे दिखाएंगे। लेकिन ये देखो गाइस समरीन आराम से क्या कर रही है। मैं आराम से सिर्फ बात कर रही हूँ और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता है। गप्पू नाम है आज से समरीन का, नाम है गप्पू, गप्पू अली। तो अभी देख लो आप मेरा आज का आउटफिट। ये है मेरा आउटफिट। ये इसका दुपट्टा नहीं है क्योंकि इसका दुपट्टा बहुत ज्यादा हैवी है, तो इसलिए मैंने नहीं पहना। ये मैंने ले लिया कोई भी प्लेन दुपट्टा व्हाइट। तो आप लोग बताना ये कैसा है। तो गाइस मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, अब मेरे पास एक काम बच गया है, क्योंकि अभी जैसा कि बहुत ज्यादा गर्मियां हैं तो हमें प्यास लगेगी, तो चलो अभी पहले हम पानी भरेंगे और उसको लेकर जाएंगे, हम ठंडा ठंडा पानी पीते हुए शॉपिंग करेंगे। मैं
मैंने ले ली है अपनी पानी की बॉटल जो करेंगे सब यूज। तो चलो मैं आपको सीधा मिलूंगी बाहर। गाइस अभी हम लोग रिक्शे में हैं। गाइस हम लोग रिक्शे में इधर से लो हम लोग टाइम कमला मार्केट में तुम बोलती थी अच्छा मिल रहा था। चलो कभी भी एक दो जानो क्यों लाजपत नगर में फोन करा था कि सही मार्केट खुली हुई। अच्छा आज यहाँ देख लो कल कमला नगर चल लेंगे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हमारी शॉपिंग करो दूध करो कुछ मिल रहा है अभी तो हम लोग देख रहे हैं लेकिन कुछ खास नहीं मिल रहा। कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ अपने कपड़े ढूंढ रहे हैं पर यार मिल ही नहीं रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा जैसा दिख रहा है यहाँ पे वैसा मिला या नहीं मिला ये। अब यार नहीं मिला तो हर जगह दूसरी जगह चलेंगे। टाइम भी तो नहीं है। भीड़ तो यहाँ पीछे चल रहा है। यहाँ पे सारा मार्केट बंद हो गया और हम निराश होते हुए आए 5 मिनट में ही वापस घर जा रहे हैं। कुछ भी नहीं मिला हमें। हम लोग मायूस होते हुए वापस अपने घर जा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला यार। कुछ नहीं मिला यार। इतनी उम्मीद लेकर आए थे हम लोग और यहाँ कुछ नहीं मिला। हम बाहर फिर से आ गए मतलब समझो 10 मिनट के लिए गए थे अंदर फिर वापस आ गए। ये अपनी फ्रेंड से पूछ रही है भाई कहाँ जाना है कोई बता दो। यहाँ तो भैया 9 बजे बोल रहे हम बंद कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे मुझे ना एक पाइन एप्पल खाने का मन कर रहा है लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं। लगता है इनविजिबल है जो भी है। गाइस हम लोग घर आ गए हैं मतलब अभी कार में है। कुछ भी नहीं एक 2 कुर्ते मिले हमें आंध रात के लिए जो कि हमने लिया है। यही शॉपिंग थी हमारी। धोखा मिल गया हमें धोखा सब धोखा मिला हमें ईद की शॉपिंग में। इतना दिल दुखी है ना मेरा कि मैं क्या बताऊं। तो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर से और हमें कुछ भी नहीं मिला धोखा के अलावा कुछ नहीं मिला हमें वहाँ। तो हम लोग कल वापस से जाएंगे और देखते हैं कल मिलता है या नहीं। कल हम लोग जल्दी जाएंगे दिन में जाएंगे देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। चलो अभी के लिए यहाँ पे मैं व्लॉग अपना एंड करती हूँ और आपको मिलूंगी अब मैं कल। तो कल के बाद मैं अभी आपको मिल रही हूँ और मैंने आज ये पहना है। तो अभी इफ्तार में अभी आधा घंटा बचा है। अब देखते हैं कि हम लोग वहाँ कितनी देर में पहुंचेंगे। बस आज दुकान बंद ना हो आज हम फिर ट्राई करेंगे शॉपिंग के लिए। पता नहीं मिलता भी है या नहीं कुछ। चलाओ यहाँ पे आज हमारे कुछ प्यारे प्यारे मेहमान इफ्तार बना रहे हैं। ये दिख रहा है ना कि यहीं से डर रहा है इसको लग रहा है कि इसके पास चला जाएगा। अभी हम लोग अपना इफ्तार पैक कर रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं ताकि हम लोग बाहर इफ्तार कर सके और मैं अब आपको मिलूंगी बाहर। बाहर मेरे से तो व्लॉग ही नहीं किया जाता इतनी भीड़ होती है मुझे ऐसा लगता है मेरा फोन छीन के भाग जाएगा कोई। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो चलाओ चलते हैं। दोबारा आ चुके हैं यहाँ पे और हम लोग आए कमला मार्केट। देखते हैं यहाँ मिलता है। किसी अंकल ने बताया था एक दुकान जहाँ पे हमें शायद सूट मिल सकता है समीन बैठी। हाँ तो अभी हम लोग उसी दुकान को चेक करने जा रहे हैं नहीं तो फिर हमें कहीं और जाना पड़ेगा और हमारा दूसरा दिन भी वेस्ट होगा। बहुत मुश्किल है यार शॉपिंग करना। तो यहाँ पे बस ऐसे रिक्शे में बैठने में मजा आ रहा है। मन कर रहा है ऐसे घूमते रहो और ऐसे पसंद करते रहो और बोल दो भैया ये वाली दे दो इधर ऐसे मत कर रहा है। मैंने पीछे बिठाया रखवाली करने के लिए। किसी ने इस वाली दुकान के बारे में बताया था बॉम्बे के लिए। तो यहाँ जा रहे हैं हमें आज भी कुछ भी नहीं मिला और हम आज भी खाली हाथ जा रहे हैं घर। उस दिन तो हमने कुछ एक सूट भी लिया था मतलब रात में। कहीं और किसी और मार्केट में जाएंगे देखते वहाँ मिलता है या नहीं। हाय अल्लाह बहुत मुश्किल है ईद की ड्रेस ढूंढना भाई। आप लोगों को क्या एक बार में मिल गया था? गाइस हमें अपने ईद के कपड़े तो नहीं मिले लेकिन हमें यहाँ पे घर में पहनने के कपड़े मिल चुके हैं तो हम वही पहनेंगे। अभी हालत खराब हो रही है। ये लोग इतना वेट करवाते हैं मुझे खड़ा करवा रखा है इतनी गर्मी में।
तो अभी मैं जा रही हूँ दूसरे मार्केट में और अभी बज रहे हैं 11 और मैं अभी लोकल मार्केट में जाने वाली हूँ और देखती हूँ वहाँ कुछ मुझे पसंद आ गया तो मैं वहाँ से ले लूंगी। पता नहीं यार, कुछ तो पसंद आ जाए क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ईद के कपड़े नहीं मिल पाएंगे, अब बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। चलो मकासा से पूछते मिलेंगे। मकासा, मुझे ईद के कपड़े मिल जाएंगे? को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ईद की ड्रेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? मेरे हिसाब से 50% प्रोबेबिलिटी है कि मिल जाएगी और 50% प्रोबेबिलिटी है नहीं मिलेगा। तुम बताओ मिलेगी या नहीं मिलेगी? मुझे लग रहा पसंद नहीं आएगा। ओहो, ये इसको इसलिए इसको हम लोग लेकर जा रहे हैं ताकि कह रही है तुम थोड़ा लड़का लगती हो तो बॉडीगार्ड की तरफ इनको लेके जा रहा है। मैं जा रही हूँ और निकल रही हूँ यहाँ से सीधा एयरपोर्ट क्योंकि मैं जाने वाली हूँ दुबई अपनी शॉपिंग करने के लिए और शॉपिंग करके फिर मैं कल वापस आ जाऊंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए। जल्दी चल रहा है, मेकअप का टाइम नहीं है। जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो भाई। चप्पल वप्पल कुछ है क्या? सब है। चलो अभी चलो बाहर निकलो, पहले सब मिलेगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं अपने घर के लिए कर्टेंस और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कर्टेंस थे तो हमें पसंद आ गया तो हमने ले लिया है। हम लोग ये वाला लेने का सोच रहे हैं। हम लोग बाहर से आ गए हैं और अभी भी हमें कुछ भी नहीं मिला। पता नहीं, शायद हम लोगों को इस बार ही किस्मत में नहीं है ईद के कपड़े। पता नहीं, हमें शायद टाइम लगेगा लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा है। होगा भाई, जब का लिखा होगा तभी मिलेगा। और हम बस ऐसे जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसी कुछ भी शॉपिंग करके ले आते हैं। तो मैं लेकर आई हूँ एक ये वाला सूट, अभी दिखाती हूँ आपको। एक मैंने लिया है ये वाला सूट, ये है व्हाइट कलर का, ये मुझे अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने ले लिया। एक लिया है, ये लिया है अम्मी ने, उसमें व्हाइट वाले में का ही सेम है ये बिल्कुल। एक ये लिया है, ये है ग्रीन कलर का, ये भी मैंने लिया है गर्मियों में पहनने के लिए। तीन चीजें ली है मैंने, बस अभी तक यही चीजें शॉपिंग हो रही है बस। अब पता नहीं भाई क्यों नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है कपड़ों को। मतलब वैसे कपड़े मिल रहे हैं जो पुराने डिजाइन से, बिल्कुल कुछ अच्छा लेटेस्ट नहीं मिल रहा हम लोगों को। तो हम लोग चाहते कि वैसा ना पहने जो पहले पहन चुके हैं। क्या फायदा जो पहले पहन लिया हम लोगों ने, हर जगह वही मिल रहा है। अब हम लोग एक दो दिन बाद फिर जाएंगे किसी और मार्केट में, वहां देखेंगे। फिर हम लोग मॉल जाएंगे, वहां भी देखेंगे। फिर अगर नहीं मिला तो फिर पता नहीं क्या होगा, फिर हम लोग आप लोगों से कपड़े छीन कर ले आएंगे और वही पहन लेंगे। तो चलो अभी तो फिलहाल के लिए ये व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि इसमें अब कुछ भी नहीं है। ये ईद की शॉपिंग होती है फेल, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में क्या पता मेरा प्रॉपर शॉपिंग व्लॉग हो। बस इंतजार करो कि मेरी ड्रेस कैसी होने वाली है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी और मैं क्या क्या लूंगी वो भी जरूर दिखाऊंगी, बस मुझे मिल जाए वो। तो चलो अब मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।